अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिनका नाम है टिमी जी, और ये फैशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने बहुत काम किया है फैशन पे, और इनसे हम इस फिल्म के बारे में, जो फिल्म का नाम है छूले आसमान, इसके बारे में इनसे राय लेते हैं, इनका क्या कहना है। जी टिमी, जैसे कि हम सबको पता है कि इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सख्त ही बुरान का शिकार है, ख़ासतौर पर पंजाब साइड पर। तो बहुत अच्छी बात है अगर नए लोग सामने आ रहे हैं, नए लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, नए लोग फिल्म में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव साइन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अल्लाह करे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसी तरह से किसी मुकाम पे पहुंच जाए, जो कि बहुत ही इस टाइम तो ख़राबी पैदा हुई हुई है इंडस्ट्री को लेके, लेकिन हो सकता है कि ऐसी मूवीज़ बनती रहे तो शायद हम लोग भी आगे निकल जाएँ। अच्छा टिमी जी, ये बताइएगा कि कराची में इस टाइम फिल्म इंडस्ट्री सारी कराची में शिफ्ट हो चुकी है जी, पंजाब में लाहौर में खास करके काम इतना फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हो रहा, तो जो ये फिल्म इंडस्ट्री का काम लाहौर में हो रहा है और रिवाइवल हो रहा है, इस रिवाइवल के बारे में आपका क्या कहना है। मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह से लोग इन्वेस्ट कर, बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पंजाब में इन्वेस्टर की ज़्यादा कमी है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करें फिल्म इंडस्ट्री पर। टैलेंट की कमी नहीं है, आर्टिस्टों की कमी नहीं है, डायरेक्टर्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस टाइम सिर्फ इन्वेस्टर्स की कमी है। तो मेरी अपील है अपनी आवाम से, अपने बिजनेसमैन लोगों से, कि वो लोग अपना पैसा फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करें ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड वाइड पे सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच टीम जी, बहुत शुक्रिया।